न्यूज बीआरआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर खबर को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाफलोंग डिमा हासाओ में राष्ट्रीय प्रेस दिवस की कार्यक्रम आज सारे देश के साथ साथ हाफलोंग डिमा हासाओ में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का कार्यक्रम। इस साल प्रेस दिवस का विषय था रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन ए जर्नी। यह कार्यक्रम में जिला जनसंजोग विभाग की अतिरिक्त संचालक शेखर इंगती, जनसंजोग विभाग की जिला अधिकारी पूर्वी फोंगलो और डिमा हासाओ जिला के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान इस साल की विषय रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन ए जर्नी के ऊपर आलोकपात करते हुए उपस्थित संवाददाताओं ने चर्चा किया। Representing many media houses, especially DY365, influential and a very popular media house, Haflong Furang. He reports for Niyomiya Barta. He reports for many other newspapers. Shri Prashanta Bhattacharji again reports in Bengali newspaper. And has always been cooperative in reflecting the news and the coverages. He reports in many newspapers as well as print, electronic, and also Shailaprabha. And there's this new genre of media nowadays. It's digital media. It is who seem to be a backbone, although I have never been close to her, but he seems to be a backbone of Haflong Furang, from billing, from administration, from circulation, from collecting news. क्योंकि बाकी लोगों को सबको पहचानते हैं, लेकिन तीन नए लोग हैं जिसको हम लोग उतना नहीं पहचाना। मेरा नाम बसंत पोड़े रे, मैं न्यूज बीआरआर चैनल से हूँ। हम सभी निर्मल सर की ओर से उनके मतलब गाइडेंस से काम कर रहे नहीं बस। सर क्षेत्रीय बाकी अपना पहचान दीजिए। मेरा नाम मंकू दास है, मैं निर्मल सिंह। क्योंकि एक रिपोर्टर का काम होता है उसको देख के समझ के लोगों को रिपोर्टिंग भेजना, मैसेज भेजना। रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग ऑफ ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज वेयर वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट when there is a occurrence of any event, occurrence of any incident, it is the duty of a journalist, it is the duty of social media, rather in how does it matter to us that it has happened there? The person who holds the camera could have gone to the spot and then helped him rather than away. And then somebody misinterprets it and says that there's been a fight between a Dimasa and a Bete. Can you understand how disastrous this facts can become? First misinterpretation, that result affects somewhere else. Or aajkal to wahi hota hai na. So that needs to be very carefully understood. In the quest for more readers would have been, maybe the messages have been passed on by the other person who is not an expert but a mere layman. What happens is the interpretation which the person, the layman, has conceived could be wrong for a news page, for a news piece. उसको जो वहाँ incident जगह में जहाँ पे incident हुआ है वहाँ पे या program हुआ है जो भी कुछ organize किया है वहाँ पे कोई एक layman है उसको पूछा गया कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उससे हम लोग news ले लेते हैं और as a reporter हम लोग उसको reporting बना के हम लोग भेज देते हैं, और जबकि फैक्ट में वैसा नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग। थोड़ा अपने गाने से हम लोगों को थोड़ा
15 साल का पहले हमने सोचा कि हमारा जो दिमासा भाषा, हमारा दिमासा लैंग्वेज अभी दिन 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 में प्रथम महीना हो जा रहा है। मतलब हम लोग जो डेली बातचीत करने वाला बात तो बहुत मैंने शुरुआत करा रोई जाता वही सब का हम लोग अगर न्यूज तो निकल के कुछ के लिखने से हम लोग का पेपर अभी भी सुनेगा। इसम अभी यो है जैसा हम लोग का ये में बहुत बड़ो बड़ो प्रोजेक्ट लिया जैसे पॉलिटेक्निक और लांगथिंग में किया गया। एक तो और भी साहस मिलेगा गवर्नमेंट का तरफ से अगर हम लोग ऐसा मान इज्जत देगा तो वही बात है। और जितना सकता हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग जैसा न्यूज लेबर है ना, चाहते हम लोग का न्यूज़ से कोई जबरा चाचे ना हो, कोई हम लोग का न्यूज़ से कोई डेवलप हो जा हो, अब हम लोग का कोई न्यूज़ मिल के कोई तरफ से हम लोग का न्यूज मिल के आदमी लोग डेवलप हो चुकी हम लोग सोचने लाएगा। 8 पेज का पेपर निकलता है, हम खुद भी निकला है ना, मतलब फिलहाल अभी थोड़ा ऑफिशियल प्रॉब्लम के लिए बस सेटअप के लिए थोड़ा स्टॉप रखा फिर स्टार्ट होगा। अब 8 पेज करने में आपका दो आदमी हेल्पर रहा था, मतलब उन्होंने कंपोज करता रहा, एडिट करता रहा, रीराइट करता रहा, ऐसे करता रहा। आप इतना 8 पेज पेपर जो निकलता है, हमारे पास में जितना जानकारी है उसे पकड़ लिया, डेनी से आपको भेज दिया, मोबाइल में भेज दिया, आपको औरंगाबाद से कोई भेज दिया, मोदी थपिया से कहाँ से भेज दिया, और संजीव कुर्पो से भी बाइबल से भेज दिया, एकला आप 8 पेज तो कैसे करते हैं? उसे लेआउट भी आप करता, हमारा लेआउट लेकिन दूसरा आदमी करता, लेआउट करता, उसको प्रूफ देखता, डिजाइनिंग तो मतलब पूरा काम है, एड बैठेगा काम में, एड भी आपको अल्टीमेटली उसमें आप ही बैठना होता है, कैसे करता है? बात आप बोलने वाला बात ठीक ही है, जो वो लोग न्यूज बेचने वाला सिर्फ ये होता है हेडलाइंस के जैसे बेचते ना, उनको हम थोड़ा जो करके बहुत करते हैं करता है, इसलिए हम घर में जाने से दूसरा कुछ नहीं करता, खाली न्यूज ही करता वही है। कंपोज से करता कंपोज, अभी तो मदद मिला जो प्रिंट करके पेपर तो प्रिंट करेगा, प्रिंट करने का बाद में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो हमारा साला वही स्वदेश उसको मिला, और एडवर्टाइज का लाइन में जितना यो है संजीव का खुद दिया आपको इधर से लेके उधर में रिपोर्ट करेंगे, नई बात नहीं है। रिपोर्टिंग माने हम लोग का इसमें हम लोग का जो प्रेस बोल देने से तो जैसे हम लोग का प्रेस बोलने से तो प्रिंटिंग ज़्यादा आता है, वहाँ में सब प्रिंट करेगा नहीं तो सब पब्लिश करेगा, उसका किस क्या तरफ का रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन नहीं इन्वेस्टिगेशन आता है, और आपको ऑर्गेन ऐसे एडिटोरियलाइज ऐसे आता है। हम लोग का तो मेन तो आज में हम लोग का क्या है दो जो है रिपोर्टिंग अपना काम छोड़ के भी हम लोग के साथ में आज मिलने के लिए आया, एक साथ बात करने के लिए। तो बेसिकली जो क्योंकि थीम को ऊपर में डिस्कस करना है, लेकिन बात करने से क्या होता है थीम से तो बाहर चला जाता है हम लोग बात करते करते। तो जो आज में थीम को ऊपर भी थोड़ा बोलेगा, थोड़ा तो इधर उधर जाएगा जो हो जाता है बात करते करते। तो मेन जो आज में हम लोग जो चीज़ के लिए हम लोग थीम को बोल में बात करने के लिए हमें उसके लिए हमने बात बोला, इट्स रियली अफेक्ट, क्योंकि जो आदमी मीडिया का लाइन में जो डिटरमाइंड है और जो काम करने का वाकई भी मीडिया में काम करने का लिए जो सोच के हम लोग का साथ में आया और ये लाइन में आया, उन लोगों का अल्टीमेटली सबका यही हालत ही है। स्टार्टिंग में सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, जैसे कि आया सबको हम हम ऐसे में तो परसों आने का बात था, लेकिन मेरा थोड़ा पाँव में एक्सीडेंट होकर मेरे पाँव में थोड़ा चुभ लगा, इसलिए हम एक सप्ताह जैसा घर में बैठना पड़ा, इसलिए हम आज एकदम तरह तरी आया तो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए कम कितना है कितना लगता है ये थोड़ा एक्सचेंज करने का दिन है। लेकिन हम लोग का ऐसा हो गया, पहले जैसा हम लोग का जो एडिशनल डायरेक्टर
अभी वही का एडिशनल डायरेक्टर और अभी का एडिशनल डायरेक्टर, हम लोग को काउंसिल का अंडर आने का बाद हम लोग का ऐसे तकलीफ हो गया, हम लोग का करने का कोई उपाय नहीं हो गया, ऐसे हो गया। पहले जो जो एडिशनल डायरेक्टर क्रिएट करा तो दोनों डिस्ट्रिक्ट का ही एडिशनल डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर हिल्स, और एडिशनल डायरेक्टर का हिल्स का अंडर में दोनों मेन है व्याख्या। तो हम लोग कोई न्यूज़ अगर कलेक्शन करता है तो उसको व्याख्या करना है, जो वो न्यूज़ सही है कि नहीं, उसके बाद ही उसको हम लोग को जहाँ में अगर पेपर में भेजना है तो चैनल में भेजना है, वो हमको ध्यान में रखना होगा। हमने देखा है कि कोई कोई जो फेसबुक में कोई न्यूज़ आ जाता है उसको ही न्यूज़ कर देता है, ये सब भी हम देखा है, लेकिन देखने को मिलता है कि ये न्यूज़ का कोई फैक्ट नहीं है। तो ये बंद होना चाहिए, सबसे पहले ये बंद होना चाहिए। और कोई भी न्यूज़ करेगा तो उसको बैलेंस भी करना ज़रूरी है। वन साइडेड न्यूज़ करेगा तो अगर हम निर्मलता का एड्रेस में कोई एलिगेशन मिला है तो उसका भी हम यो लेना है, लेके वो बैलेंस करना है। तो कोई कोई जगह में हम बैलेंस किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में एंटी साहब एडिशनल डायरेक्टर और सब डिविजनल डिप्रो ना, डिप्रो का सर एडिशनल डिप्रो, और साथ में हम लोग का जितना भी इसलिए आज कुछ दिन में इंटरनेशनल प्रेस डे का तरफ से ना, उसके लिए आज मैं आप लोग सबको धन्यवाद देता है, बधाई। और बहुत इसे इसका साथ साथ आप लोग को बोलने वक्ता, ये हम लोग को दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऑनर है। इतना अच्छा लगा कि एडिशनल डायरेक्टर सर और हम लोग के ऑफिस के तरफ से दीपांजलि को एक छोटा सा भेंट देना चाहते हैं। वाह वाह, ले लो हाँ। बढ़िया।